बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। मेरी अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में माता जमुना कान्हा के गीत गाती। तो जैसे कि आज 2 अक्टूबर है और आज हम सभी जानते हैं कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो उसी उपलक्ष्य में आज फिलहाल हम दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में उपस्थित है। इस दौरान यहाँ पे कलाकारों द्वारा रंगोलियों का प्रदर्शन किया गया, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से उनकी प्रतिमाओं को साकारा गया है। तो हम जानते हैं उन्हीं से कि इतना अच्छा जो उन्होंने रंगोली में प्राण डाल दिए हैं, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये वो कैसे कर पाते हैं। जैसे कि अपने राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज की जो रंगोली है वो काफ़ी बखूबी, उनका जो चित्र है आपने जीवंत कर दिया है हमारे सामने, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज एक संत थे, उन्होंने मतलब ग्राम हर एक गांव को मतलब शिक्षा ये किए और उन्होंने प्रबोधन किया है समाज को सुधारने के लिए, लोग बाहर निकल सके, देश के प्रति प्रेम जागृत किया उन्होंने, और बहुत से ग्राम गीता करके ऐसे ग्रंथ वगैरह लिखे उन्होंने, और बहुत राष्ट्र के लिए बहुत कुछ उन्होंने काम किया है अपने जीवन से। उन्होंने पूरा अपना जीवन अर्पण पूरा उसी में राष्ट्र इसमें सेवा में दिया है। डॉक्टर केशव हिड़गेवार की रंगोली इन्होंने काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत की है, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि ये संकल्पना उनके उनको कहाँ से आई है, उन्होंने ये सब मतलब क्या सोच के, क्या उनका उद्देश्य है इस दौरान? जी, ये हमारे संस्कार भारती की जो टीम है उनके अधिकारियों ने मुझे विशेष आग्रह किया कि हमारे नागपुर में जो संघ संबंधित टीम है, तो डॉक्टर केशव जी हेडगेवार इनका चित्र मुझसे बनाया जाए, तो बाकी सब स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हीं के साथ साथ इनका राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने संघ की स्थापना की है, तो उस पक्ष में मुझे ये काम दिया गया, तो मैंने अपनी कोशिश की है और जितना हो सके उनको सबके सामने रखने का प्रयास किया है। भगत सिंह को आज हर कोई जानता है, हर किसी के दिलों में आज कहीं ना कहीं वो अभी भी जीवित है, तो जिन्होंने भगत सिंह की प्रतिमा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हम उन्हीं से इनके बारे में कुछ दो अल्फाज जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रकांत सहारे, मैं वर्धा से हूँ, और मैंने आज इस साउथ जोन सेंटर में जो भी यहाँ पे रंगोली प्रस्तुत की है वो भगत सिंह जी की है, और इनका स्वातंत्र के लिए देश के लिए काफ़ी बड़ा इनका ये था, योगदान था, तो एक छोटा सा एक मैंने प्रयास किया है और एक प्रतिमा यहाँ निकालने की कोशिश की है, और आप लोगों को शायद ये अच्छी लगेंगी, ये मेरा ये प्रयास था।
थैंक यू सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीर सावरकर जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है उनकी तस्वीर को। एक जिंदा दिल इंसान थे वो भी हमारे बीच, अभी भी हमारे दिलों में वो जिंदा है, लेकिन उनकी जो प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं अभी भी जीवंत ही नज़र आ रही है, हम देख सकते हैं रंगोली द्वारे। तो हम रंगोली जिन्होंने साकार, हम उन्हीं से जानते हैं कि ये संकल्पना उनको कहाँ से आई। वो स्वातंत्र्य इसका 75 जो 75 वर्ष झालेले, त्यामुळे ती तिथे 75 आकडा घेतला आहे। आणि यांच्या स्वातंत्र्याच्या आधीचे पोर्ट्रेट तयार करायचे होते जे स्वातंत्र्य सैनिक वगैरे आहेत, तर त्यामुळे ती मग कल्पना जेलमधली घेतलेली आहे ती अंदमान निकोबारमधली, आणि या साईडला ते विचार। सुभाषचंद्र बोस जी की आपने रंगोली यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत की है, तो आप इनके बारे में दो अल्फाज क्या बताना चाहोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनका अंग्रेज़ों के खिलाफ जो स्वतंत्र लड़ा था तो उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, और उसके बाद उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के बाद जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ना था उनके लिए उन्होंने जापान से आज़ाद हिंद फौज तैयार की और उनके साथ वो लड़े। तो बस यही कहना चाहता कि उनका जो नारा है, उन्हें जो अभी जो प्रचलित है पहले से चला आ रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है उससे लोग इतने प्रभावित हुए उस टाइम पे कि हर लोग शस्त्र उठाने लगे। या फिर जैसे गांधी जी ने अहिंसावादी चुना तो इन्होंने हिंसावादी चुना, लेकिन उठाओ और अंग्रेज़ों को भगाओ, यही उनका उद्देश्य था, इसलिए हमारे लिए वो प्रेरणा स्थान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की रंगोली आप देख सकते हो बखूबी, एक जीवंत रंगोली जो हमारे सामने आप नज़र आ रही है, और जिन्होंने इस रंगोली को बनाया है, प्रस्तुत किया है, हम उन्हीं से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो अल्फाज, हमने ये कल मॉर्निंग से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनाई है, और हमें पोर्ट्रेट बनाना था, बट मुझे लगा कि पोर्ट्रेट के मतलब उसके अलावा अभी उनका जो स्टैचू बना है वडोदरा में नर्मदा नदी के पास में, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है 182 मीटर्स का, तो मुझे लगा कि उनका वो तो चाहिए क्योंकि अपने वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, इसलिए मैंने उनके पोर्ट्रेट के साथ में उनका जो स्टैचू है वो भी बनाया। क्या अनुभव रहा आज के दिन का आपका, मतलब कैसा अनुभव रहा आज? हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने रंगोली निकाली थी, तो लास्ट टाइम हमने पूरे महात्मा गांधी जी के बारे में निकाला था, उनकी पूरी जीवन चरणी दिखाई थी। इस बार हमें अलग अलग स्वतंत्र सेनानी दिए गए थे कि आप उनके निकालो, इसलिए वल्लभ भाई पटेल के बारे में और उनकी जो कलर स्कीम है मैंने वन टोन में उनके इसमें काम किया है, तो उसमें निकालते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज हर कोई जानता है, तो जिन्होंने इनकी रंगोली प्रस्तुत की है, रिप्रेजेंट की है, आरती जिसे हम जानना चाहते हैं कि आज का अनुभव इनका कैसा रहा और आज ये क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमको ये करने का मौका मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू मैंने ब्लैक एंड वाइट में बनाया, इसका रीज़न तो ये है कि ब्लैक एंड वाइट अपने को वो दुनिया में ले जाता है। पहले जब कलर्स टीवी ब्लैक एंड वाइट सब, यानी ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट पुराना ज़माना कैसे ब्लैक एंड वाइट का था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट, और बाजू में जो मैंने शेड्स लिए हैं ब्लैक एंड वाइट की दुनिया से उन्होंने अपने स्वतंत्रता देकर अपने विचारों से जो प्रगति लाए है, जो यानी एक उन्नति लाए है, इसलिए मैंने वो बैकग्राउंड में कुछ नयापन या कुछ है ऐसे स्फूर्ति लाने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए वो बनाया। और एक उनकी खासियत थी, वो कहीं भी जाते थे गुलाब का फूल हमेशा अपने पास अपने कोट में बटन में लगा के रखते थे, तो मैंने प्रयास किया है कि वो आपको दिखा सकूं कि उनको कितना प्रिय था, और बच्चे भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, तो चाचा नेहरू यानी उनको चाचा इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को बहुत प्यार था उनसे, और गुलाब के फूलों से ज़्यादातर प्यार था, और मैंने वो रेड कलर भी उसी रीज़न से ज़्यादातर दिया है कि वो रेड रोजेस उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, और उनका स्वभाव भी बहुत यानी एंजॉय करते थे वो हर चीज़ को, उनके विचार भी बहुत यानी स्फूर्तता देने वाले थे, यानी बच्चों को बड़ों को यानी प्रेरणा देने वाले थे, इसलिए मैंने वो कलर स्कीम भी ऐसे ब्राइट ली है थोड़ी, बाकी एक्सप्रेशन वगैरह यानी वो क्या सोचते थे
क्या उनके विचार थे वो चेहरे से दिखाने की मैंने कोशिश की है। आज की सबसे अहम रंगोली जो है महात्मा गांधी जी, क्योंकि जो कि 2 अक्टूबर आज उन्हीं के जन्मदिन से हम मनाते हैं और पूरे भारत में इसको मनाया जाता है आज, तो हम जिन्होंने इन तस्वीरों में जिंदापन डाल दिया है हम उन्हीं से इसके बारे में 2 शब्द जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राधा श्याम अतकरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में स्टेट क्लास 1 ऑफिसर हूँ और आज जो 2 अक्टूबर है आज़ादी का जन्म महोत्सव आप मना रहे हैं उसमें बहुत आज बहुत खुशी मिली है क्योंकि आज मैंने बापूजी का पोर्ट्रेट निकाला है। 2 अक्टूबर आज पूरे देश में या देश के बाहर भी सभी इनको जानते हैं, देश ही नहीं है तो देश में उत्साह से मनाया जा रहा है। आज बोलते हैं ना यही है ज़िंदगी, तो हमारे कलाकारों के लिए यही ज़िंदगी है, इसमें से जो खुशियाँ मिलती है वो सबसे बड़ी है, ना कि कोई चीज़ से मिलती है, लेकिन ये बनाने के बाद उसमें से जो आनंद मिलता है वही हमारी ज़िंदगी है। थैंक यू, लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। तो जैसे कि आज मुख्य अतिथि के तौर पे नितेश भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि आज का ये जो दिन का उनका अनुभव रहा वो कैसा रहा। देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो नागपुर है, एक बहुत बड़ा केंद्र है, इसमें 5 राज्य आते हैं और फिलहाल तो यहाँ पर और 3-4 राज्यों का इनको प्रभार दिया हुआ है। इस देश की जो विविधता है वो किन चीज़ों से हमको दिखती है? सबसे पहले संस्कृति के माध्यम से। तो संस्कृति में क्या आता है? बहुत सारी विधाएं हैं उसमें, चित्रकला है, संगीत है, नाट्य है, लेकिन रंगोली एक ऐसी कला है जिसको मैं मानता हूँ कि अर्वाचीन जितने वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि बच्चों को आप खिलौने दिया करो ताकि उनके मोटर रिफ्लेक्सेस, सेंसरी ऑर्गन्स और मोटर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डेवलप होंगे, उसके हज़ारों वर्ष पहले हमारी रंगोली कला के माध्यम से हमने बच्चों को वो रंगोली की पाउडर देना सिखाया और रंगोली के माध्यम से जीवन का दर्पण भूमंडल पर उतारना सिखाया और उसके माध्यम से सेंसरी रिफ्लेक्सेस बच्चों के विकसित होते रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कला है जो बड़े शहरों में लुप्त होती दिखाई दे रही है और जिसका काम ये संस्कार भारती करता है और ये उनकी विशेषता बन के रह गई है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। मतलब विश्व में भी कहीं NRIs का कोई फंक्शन होता है तो संस्कार भारती के रंगोली कलाकारों को लेकर जाया जाता है और वहाँ पर रंगोली चित्रित होती है। ये भारत की विशेषता है। तो इसका ये उत्सव और अमृत महोत्सवी ये वर्ष है स्वतंत्रता का, इसमें जिस प्रकार से इन्होंने सारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का तो चित्र है ही रंगोली में, लेकिन साथ में पंडित जी का है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है, ये जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ये स्वतंत्रता हमको एक व्यक्ति के कारण नहीं मिली है, हमेशा एक व्यक्ति एक सामने रहता है, 1, 2, 3, 4 व्यक्ति सामने रहते हैं। जैसे आज ये मंच खड़ा है, 4 हम लोग इस मंच पे हम 4 लोग बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों का कार्यभार है जो कार्य करता है। वैसे
स्वतंत्रता संग्राम में इतने सारे लोगों ने योगदान दिया है, इतने सारे नेताओं ने योगदान दिया, उसमें से कई नेताओं का आज यहाँ पर रंगोली के माध्यम से चित्रित हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने एक नई दिशा, स्वतंत्र भारत को किस दिशा में ले जाना है, लोगों के अधिकार क्या हैं, साथ में कर्तव्य क्या हैं, ये भी सिखाया। और मैं विशेष करके आपके माध्यम से जनता को कहना चाहूँगा कि हम केवल अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों का वहन नहीं कर रहे हैं। तो वो स्वयं उन्होंने दिए हुए बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, 1955 का या 54 का उनका एक इंटरव्यू है जो ब्लैक एंड वाइट बीबीसी को दिया था, उन्होंने कहा था ये जो हमने बनाई है, ये हमने ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसमें हमारे दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है राष्ट्र के प्रति, उसके बाद अधिकार आते हैं, हम केवल अधिकार मांगना सीख रहे हैं। जय जवान जय किसान, किसान का महत्व जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने, आज उनकी भी जयंती है, इसलिए मैं हमेशा, आज मैंने कहा भी कि या तो इसे हम गांधी लाल जयंती कहें तो लाल में लाल बहादुर शास्त्री भी आते हैं और लाला लाजपत राय भी आते हैं, जिनके कारण जलियांवाला का एक दुखद हत्याकांड हुआ और उन्होंने उसके बाद में उनसे प्रेरणा लेके भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव, इतने सारे लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया है और इनसे प्रेरणा लेकर गरीब जनता जो अपने एक एक झोपड़ी में से निकल कर बाहर आई थी, तो इन सब का स्मरण करना बहुत आवश्यक है और रंगोली कला के माध्यम से आज ये हुआ है। मैं गदगद हूँ इन कलाकारों ने जो चित्रित किए हैं उनको देखकर। मेरा आपसे ये सवाल है, जब महाभारत में आपने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी तो असली जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा और आपका उस वक्त का अनुभव हमसे आप साझा कर सकते हो? मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कोई भी जब इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ जिसको हम कहते हैं और चिरंतन व्यक्तित्व किसी भी माटी का हो, किसी भी देश का हो, उसको निभाने का एक जब अवसर आता है तो वो कौन करेगा, कैसे करेगा, ये विधि लिखित विधि का विधान पहले से तय होता है, हमें वो पता नहीं होता। तो मैं महामूर्ख हिंदी नाटक करता था, हीरो बनना चाह रहा था और मना कर चुका था कि मुझे नहीं करना कृष्ण, लेकिन बार बार ये रोल जब मेरे पास आने लगा तो मेरी माताजी जो प्राध्यापिका थीं विल्सन कॉलेज में, ज्ञानेश्वरी और गीता की पंडिता थीं, विदुषी थीं, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है ये कितना बड़ा काम करने का एक अवसर तुम्हारे पास बार बार आ रहा है। उन्होंने मेरी आँखें खोल दी और कहा कि भक्ति का योग, ज्ञान का योग, कर्म का योग, जो कर्म योग मैं अपने माता पिता से देखकर सीखा हूँ, दे बिकेम फ्रॉम अ जीरो, कुछ नहीं थे जीवन में, उनके पास कुछ नहीं था, वहाँ से केवल कड़ी मेहनत से और लगन से और सच्चाई से लगन कर से काम करके वो जो बने वो बने उसको। और फिर बचपन से जो एक पढ़ाई घर में चलती थी, महाभारत था, हमारे घर में रामायण नहीं था, महाभारत के 18 खंड आज भी धरोहर के रूप में मेरे घर में हैं, तो बचपन से पढ़ी है महाभारत, गीता, ज्ञानेश्वरी, गीता रहस्य लोकमान्य तिलक जी का, ये बचपन से पढ़ा था। और मराठी में इतना अद्भुत साहित्य बड़े बड़े साहित्यकार लिख कर गए हैं, बाल शास्त्री हरदास जी हुए, युगांत है इरावती जी, इरावती बाई करवे जी का, या व्यास पर्व लिखा दुर्गाबाई भागवत ने, इतने सारे ग्रंथ, उपन्यास, नाटक, संगीत नाटक, ये सब जो बचपन से एक तरह से मेरे जीवन का न्यास, फाउंडेशन जिसको कहते हैं, वो इस दिशा में बनता जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन वो बनता जा रहा था यहाँ, और तब जाकर वो एक अवसर जब आया कि इसको अब अपने भीतर से उणेल देना है और इसको निभाना है, तो वो एक रात की बात नहीं है,
तो ये कहीं ना कहीं विधि का विधान है और सौभाग्य है मेरा कि आज 30 वर्षों के बाद भी लोगों का इतना प्रेम, इतना सम्मान, ये अद्भुत है। मतलब मैंने तो सोचा था कि अब ये OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब हॉलीवुड की फिल्में लोग जो हैं अपने बेडरूम तक देख रहे हैं, लोग भूल चुके होंगे। लेकिन फिर से जब लॉकडाउन में गत वर्ष रामायण महाभारत को दिखाया, ब्रॉडकास्ट हुआ, और जो उन दो सीरियल्स ने सारे प्राइवेट चैनल्स को हिला के रख दिया, टॉप पे यही दो धारावाहिक थे, तो ये आस्था है इस माटी की, ये निष्ठा है इस संस्कृति की। राम और कृष्ण सांस्कृतिक धरोहर तो हैं ही, लेकिन महामेरु हैं इस माटी के, और यहीं का ये अध्यात्म है जो लोगों ने दिखा दिया कि हम आज भी इसको सर पर धरते हैं। ये लोगों की आस्था है, निष्ठा है, उनका भाव है, जिसके कारण हम आज यहाँ इस व्यासपीठ पर खड़े हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज का जो पर्व है 2 अक्टूबर, जिसे सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो इस दौरान ये संकल्पना आई है रंगोली की, जो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इनका चित्र निकाला गया है, जो काफ़ी जीवंत जो हमारे सामने वो साकारा गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये संस्कार भारती जो है अखिल भारतीय कलावंतों की एक संस्था है। संस्कार भारती इज इक्वल टू रंगोली, ये तो सबको पता है, लेकिन ये अभी 75 ईयर्स हो गए, ये भी एक औचित्य था, और आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती, ये भी एक औचित्य था। तो हम लोगों ने ये जो नए कलावंत हैं उनकी कलाकृति का प्रदर्शन हमने इस बारे में किया है, और नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी को ये सब देखकर, कौन था भगत सिंह, चित्र देखना, पिक्चर देखना, रंगोली देखना, इससे फ़र्क है। इसलिए नवोदित कलाकारों को एक व्यासपीठ उपलब्ध करके दिया है, और जो बच्चे हैं, बच्चे लोगों ने आकर देखना चाहिए, पेरेंट्स से उन्होंने उनको दिखाना चाहिए, ये हेतु से हमने आज ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन के लिए प्रदर्शन खुला है। मैं सबको आह्वान करती कि सब पेरेंट्स लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को लाकर, उनके बारे में कैसा है कि यदि पिक्चर देखें, भगत सिंह पिक्चर देखें, तो बच्चों के मन में एक थोड़ा सा विचार उत्पन्न होता है कि कौन भगत सिंह है, क्या काम किया है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मालूम है लेकिन इनका काम नहीं पता, वो पेरेंट्स को भी एक स्वाध्याय हो जाएगा कि ये सब लोगों के बारे में बच्चों को बताएं, और अपना इतिहास की जो इतिहास अपना है वो इतिहास बच्चों को तक जाए, ये भी हमारा इसके उद्देश्य है। तो जैसे कि आपने देखा कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी जयंती के उपलक्ष्य में रंगोली का प्रदर्शन जो है यहाँ पे बखूबी आयोजित किया गया, जो बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रंगोलियाँ, पोर्ट्रेट रंगोलियाँ जो है वो रिप्रेजेंट की गई, तो काफ़ी एक उत्साहपूर्ण ये माहौल जो था, काफ़ी उत्साहपूर्ण रहा, और काफ़ी खुशी की लहर इस दौरान घूम पड़ी थी, क्योंकि आज का जो दिन है वो पूरे भारत में खुशियों के तौर पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर। तो बस आज के इस खास पेशकश में आपके लिए इतना ही, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। कैमरा पर्सन राजेश जंगिटवार के साथ जोया खान, नागपुर। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।